हे गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पर एक स्टॉप लिया है हम लोगों ने श्योक वैली लद्दाख इंडिया। सो जैसे कि अभी आदिल ने आपको शूट करके दिखाया था, दे दे यार उसको पानी प्यास लगी। गाइस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में हमें भी खुश रखे। सो अभी हम जा रहे हैं होटल के नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, अपने रूम से, होटल के नीचे नहीं मतलब अपने रूम से उतर के, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइमिंग हो गई है। फिर अभी हम लोग निकलेंगे, यहाँ का लोकल जो प्लेसेस है वो घूमेंगे। मियाँ जी ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, तो चले पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखते हैं। और मियाँ जी किधर है देखते हैं फ़ोन करके। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं, मियाँ जी का हो गया है, वो चले गए नहाने के लिए, ये काम अच्छा हो गया। और अभी जाकर थोड़ा सा मेरे को रेडी होना है। नायरू बटर जैम कैसा है? अच्छा है, देन फिनिश फास्ट फास्ट, वरना वो भैया आपको लेने आएंगे फिर। मतलब ये क्या पौधा आपने उगाया? किस पालक, बीच बीच में पालक है, गाजर है, हाँ बीटरूट्स है, बीटरूट्स भी है, हाँ जी मैं बीटरूट, मम्मा मैं इधर देख रहा हूँ, और गोभी है, ओके इधर ब्रोकली है। अच्छा ब्रोकली भी है उधर, तो अभी आई नहीं है क्या? थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आई है, थोड़ी थोड़ी आई है। और उधर उधर भी सेम है क्या? नहीं मैम, उधर पालक है। अच्छा तो सब पालक है। और ये जो जिसमें रेड कलर की जड़ जा रही है वो बीटरूट वाला है ना? अच्छा, और इधर ये मिर्ची का है ना कि लेमन है? क्या लेमन का है ना? एप्रिकॉट का पेड़ है। और ये एप्रिकॉट का है, ओके। और ये सेब का पेड़ है। ये सेब का है, तो जब टाइम आता होगा तो फ्रूट्स वगैरह आते होंगे ना इस पर? वेरी गुड। तो अभी हम लोग इस रूम से निकल रहे हैं होटल से, जैसे कि आपको बताया नाश्ता वगैरह हो गया है, अब चलते हैं यहाँ के लोकल जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे विजिट करते हैं। ये हमारा आज का आउटफिट है, अनायरू पीछे रेडी होके बैठी है, और यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हैं अभी नुब्रा वैली में, और यहाँ पर इतना खास ठंड खास क्या है ही नहीं, बिल्कुल गर्मी लग रही है, जैसे नॉर्मल अपने घर पर लगती है गर्मी वैसी। और यहाँ हो रही है गाड़ी की थोड़ी बहुत सर्विस, खुद से की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। इवन गंदी अभी भी है, बट वॉश करा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम एक बार अच्छे से ही वॉश कराएंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो खुद से हो सकता है वो करने की कोशिश है। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? सबसे पहले तो भाई हम लोग जा रहे हैं जो इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है वहाँ जा रहे हैं। क्या बोल रहे थे, पाकिस्तानी बॉर्डर? उसके बाद पाकिस्तान पे एक रिवर है, हाँ, जो कि वो साइड में पाकिस्तान में है, तो ये साइड में इंडिया में। अभी जाके पूरी हिस्ट्री बताएंगे वहाँ पर ही, क्योंकि मतलब ऐसा है कि लास्ट लास्ट विलेज है ये इंडिया का जहाँ हम जा रहे हैं, और रिवर के उस पार जो है पाकिस्तान है, इस पार इंडिया है। हम लोग एक्चुअली जाने वाले तुर्तुक तक ही जाने वाले थे, तो वहाँ से अपने को पाकिस्तानी लोग दिखाई देंगे। अरे मजाक सर थी, तो ऐसा मिलने का भी मौका मिल जाएगा ना, वो चीज़ बोल नहीं पाओगे ना, लेकिन क्यों बॉर्डर के हाथ बात भी नहीं मिला सकते? नदी है ना, नदी के उस पार है। अरे वो तो नहीं, वो क्या कहते हैं, मुन्नी भाईजान वाली, मुन्नी भाईजान वाली, बजरंगी भाईजान, सॉरी, वो जो आता नदी पार करके। मत बोल, तो अब मेरा वो जाग चुका है। गाइस ये यहाँ पे गंगा जल भरते हुए एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पानी एकदम। ये भी अलग एक्सपीरियंस है। होटल वाले ने बताया मुझे क्या है कि वो लोग के इधर से भी अपना जो पहाड़ों से पानी आता है वो लोग भी भरते हैं, पता है क्या? हाँ भाई, मैं बोला ना कि सबसे ज्यादा फिल्टर वाला जो पानी होता है ना वही होता है, बट क्या कहते हैं, उसने ये भी बोला कि पहाड़ों से आके फिल्टर में जाता है, बाद में हम लोग पीते हैं, वो अलग चीज होगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा क्लीन करने के लिए पीते होंगे, बट हाँ वो पानी बहुत बढ़िया पानी रहता है। वन साइडेड रोड है ना, तो बहुत ज्यादा जाम लगता है, सिंगल वन वे रोड है।
वन वे रोड हो या प्यार हो, प्रॉब्लम होती होती है भाई, है ना। तो ध्यान से चलने का। कैसे चल रही है आगे, और ऐसा सॉन्ग हुआ है, मजा आ जाए। हाँ, अभी तो दोनों बात कर रहे थे तो ज्यादा मस्त लग रहे थे दोनों साथ में चलते हुए। तो आपने कितनी बार ना हमारे साथ देखा होगा, मतलब जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स राइडर्स भी हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो एक पैशन होता है। फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, मुंबई से भी आते हैं, मतलब दुनिया भर से आते हैं जो बॉयज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना एकदम जुनून होता है लद्दाख में ट्रैवलिंग करने का, वो भी बाइक राइड। तो ये क्या करते हैं, मतलब कोई कोई तो अपनी बाइक लेके आता है, और कोई कोई क्या मतलब बाय फ्लाइट भी आता है, बाय बस भी आता है, बाय कार भी आता है, देन यहाँ पे आके बाइक ना हायर करते हैं। तो ये एक पॉइंट है, देखो यहाँ पर ना सबने मतलब जितने भी राइडर हैं बाइक वगैरह हायर की हुई है, तो उनके साथ ना एक बहुत बड़ा सा कार होता है, मतलब टेम्पो टाइप का कह लो, जिसमें उनके हर ज़रूरत का सामान रहता है। कभी किसी बाइकर को कुछ इशू हो गया या कुछ भी, पेट्रोल डीजल कुछ भी मतलब कमी पड़ गई, तो वो कैसे उसको हेल्प करते हैं, तो जिनसे हायर करते हैं वो उनके साथ होके चलता है। मेडिकल इशू हो गया तो वो सब कैंप वगैरह सब साथ में लेके चलते हैं जहाँ उनको रुकना है। तो कैसे राइडर्स अपनी राइड को ऐसे कंटिन्यू करते हैं लद्दाख में, और जो कार में जाने वाले हैं वो तो फिर कहीं भी रुक सकते हैं, टेंट लेके, होटल्स लेके। बस खैर आप तो देख ही चुके हैं पहले, हमारे वहाँ पे हमको होटल्स मिले ही नहीं थे, और ये देखिए रास्ता कितना खतरनाक हो चुका है। पाप, बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। वॉल्यूम बंद कर दे रहे हो ना, तो कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, बंद कर दो भाई, चल कर लिया। तो ब्रिज कौन सा ब्रिज है ये, मेरे को लिखा था हमने। लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं, मोहब्बत के पैगाम लिख रखे हैं। बहुत क्लीन वाटर है, टूटा हुआ है दिख रहे हैं वाले पत्थर, स्पीति की याद दिला रहा है। मूत रहा है वही ऊपर से, ऐसा लग रहा है बहुत कम पानी, इससे ज्यादा मूत दे दे इन वादियों में। अरे आता नहीं मेरे को, ये बॉय अच्छा बॉय, अच्छा बॉय। इट्स ओके बच्ची, तो मुंबई आ रहा है, तो मुंबई आ रहा है। यहाँ से सिर्फ एक व्हीकल एक बार में जा सकता है, आप दो व्हीकल नहीं लेके जा सकते, बिकॉज प्रेशर बहुत आ जाएगा। लकड़ी का बना हुआ है नीचे से, तो बहुत ज़रूरी है ध्यान से इन सब चीज़ों को करना। और हमने अभी लिया ना, तो देखो आप, आपको दिखाता हूँ मैं मिरर में, यहाँ से साइड से देखो, अब वो गाड़ी आ रही है, पीछे रुक गई एक गाड़ी, मैं दिखा नहीं सकती। ये देखो एक गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई है ऑलरेडी, तो वन व्हीकल एट अ टाइम। क्या व्यू है भाई, ये देखो बराबर में नदी जाती हुई, इसी के लिए लोग आते हैं। सैंड आ गया, सैंड शुरू, सैंड आ गया, सैंड सैंड में लू लेंगे, पापड़ लेके हम लोग सेकेंगे, मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। ओए हाय, होए होए,
सुना वाला बच्चा नहीं है आए हाय होए होए बदो बदी बदो बदी आपकी लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। कैरम सर में दर्द हो रहा है क्या? अरे बेचारी के सर में दर्द हो रहा है। वारिस है क्या? चलो घुसाओ 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 अंदर। मेमोरीज है ना यार, ये नहीं लोगे तो क्या लोगे फिर? आप रास्ते में आए हो अभी थोड़ा, 10 मिनट तो हमें रुकना ही है। 10 मिनट के लिए रुकते देखते ये सब चीजें, ये सब चीजें हैं जो हमारे जवान लोग करते हैं यहाँ पे, मतलब बर्फ जो मेमोरियल। हाँ देखो कितने सारे राइडर्स खड़े हुए हैं। हे गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पर एक स्टॉप लिया है हम लोगों ने, श्योक वैली लद्दाख इंडिया। सो जैसे कि अभी आदिल ने आपको शूट करके दिखाया था, दे दे यार उसको पानी, प्यास लगी होगी। व्यू देखो आप बस, और मुझे देखो गाइस, सामने कैफे है अगर आपको कुछ नाश्ता पानी चाय पीना हो तो, और मुझे भी देखो। और ये मेरा भाई है, शक्ल अच्छी भी नहीं और आवाज भी अच्छी नहीं है साथ में, मजाक। थैंक यू फॉर विजिट अगेन। व्यू दिखाते हो सामने, मतलब यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स वगैरह भी रुके हुए हैं। रेस्ट पॉइंट है, अगर आप चाहे थक गए हो बाइक वगैरह चलाते हुए तो आप यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं। यहाँ से देखिए थके हारे आए क्योंकि भाई बहुत चलना पड़ता है इधर बहुत ज़्यादा। और ये हमारा टी पॉइंट है, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग और ड्रिंक समथिंग देन वी हैव इट। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ऐसे लगेगा सच में कोई खड़ा हुआ है आर्मी, बट ये स्टैचूज बनाए हुए हैं डमी इंडियन फ्लैग। फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद और थोड़ा जलपान करने के बाद, हाँ जी हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, कोल्ड ड्रिंक थी तो हमने वो भी पी ली थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर दिखा ये चार्ट, हाँ जी, जहाँ पर सब की मतलब कि दुनिया भर के लोगों की आए हुए हैंड राइटिंग थी, जिस सब ने बहुत कुछ लिखा हुआ था, जय हिंद एंड प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी एंड ऑल सब लिखा हुआ था। तो मैंने कहा मैं कैसे रह जाऊँ, बिकॉज हम भी तो आए हैं ना इतनी दूर, लोग बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, तो हम भी फाइनली इस जगह पहुँच गए। और ये जगह सीरियसली स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर वार हुआ था सियाचिन का, आपने सुना भी होगा, अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी आ रहा था कि सियाचिन के उसमें जो एक ऑफिसर है वो मारे गए थे, मतलब अपने ही सेना के लोग को बचाते वक्त, जिनकी वाइफ बहुत यंग है, 5 मंथ हुए थे उनकी शादी को, तो ये वही प्लेस है। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि हम फाइनली ऐसी ऐसी जगह पहुँच पा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोग, जितने भी लोग आ रहे थे, सब लोग प्रॉपर कुछ ना कुछ नोट्स लिख के जा रहे थे, तो मैंने भी लिखा, बिकॉज हम दिल्ली से हैं और हम उल्लासनगर से आए, तो मैंने ये सब चीज़ें लिखा। और मैं जल्दी जल्दी लिख रही थी तो मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है यार, राइटिंग कौन देख रहा है, मेरा प्यार देखो, हमारा प्यार देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नोट लिखा है। तो अगर कभी आप भी आते हो तो ना प्लीज़ ये सब चीज़ें मिस मत करना, लाइफ में एक बार तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। मेरे लिखने के बाद फिर फिरोज़ ने फ्लैग वगैरह बना के लिखा, फिर आदिल ने भी लिखा, हम लोग बहुत कॉमेडी कर रहे थे और बहुत दिल से, मतलब कहते हैं ना सब कुछ अपना लिख के जा रहे थे यहाँ पे कि हाँ यार हमने भी ये चीज़ अचीव कर ली। खैर हम उनकी जगह नहीं ले सकते जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए, जो हमारे लिए हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं, हम वो चीज़ कभी उनका कहते ना नाखून बराबर भी हम नहीं कर पाएंगे जो ये लोग करते हैं। सीरियसली प्राउड प्राउड प्राउड, और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा था क्योंकि हम इस जगह पे पहुंच गए थे। अब चलते चलिए आगे, एक ही व्हीकल जा सकता है, अदरवाइज दो चार हुए तो ब्रिज हमारा नीचे डाउन हो जाएगा और हम पानी में, पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग इधर से अगर दिखाई दे रहा हो तो। गुड, और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वीडियो निकालने के लिए। लुक एट द व्यू, और यहाँ से गाड़ी पास होगी ना, बहुत मस्त व्यू आएगा ऐसा। कौन सा बिल्ली जी? थिस्की, त्यागशी भी तो लिखा है। वही है, वही है।
प्रत्याक्षी लास्ट विलेज है, लास्ट इंडिया का लास्ट विलेज। जाना एक्साइटेड हो आप? क्या हाल है आदि? बहुत स्मार्ट, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही मेरा होता है पीछे हाथ बैठ के। तेरी हाइट और मेरी हाइट का फर्क क्या है? एक्सक्यूज मी, इतना सा फर्क है सिर्फ। पर ये जो बेबी है ना, अच्छा बोल रही हूँ कुछ बोल रही हूँ। अनायरा बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो मम्मी बनने की कोशिश करती है, तो इस वजह से आदिल थोड़ा परेशान हो गया है। बनते बच्चों को सोने भी नहीं देती। बेबी तुरंत सो के उठ भी जाओ, नाश्ता भी कर लो। सुबह भी हो गई बेबी, खाना भी खा लो बेबी, भूत भी आ गया बेबी। वो देखो वो निकला, वो लिखा हुआ लास्ट में पाक का, क्या लिखा हुआ है? इंडियन पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट एंड यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन 200 मीटर। वाओ पाकिस्तान वाले भी जा रहे हैं भाई, भाई मैं सही बोल रहा हूं, खुद यूटर्न मार रहे फाइनल, खुद यूटर्न मार रहे मत जा ही बेटा, उधर मत जा उधर। सो गाइस हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में टच होने वाले, लास्ट विलेज। वाओ वाओ वाओ, किधर यार दिखा दो, और ये हम लोग ना मतलब अंडर एनिमी कंस्ट्रक्शन, क्या लिखा होता है अंदर? एनिमी कंस्ट्रक्शन। वेलकम टू इंडियन नॉर्थन मोस्ट एंड लास्ट कैफे एंड रेस्टोरेंट एट थांग विलेज। बस यही साइड में रोकने का भाई, सीधा आगे जाने का। नहीं नहीं जा रहे होंगे, बाइक लोग उधर गए हुए वहाँ पे सब खड़े हुए तो है। फाइनली 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 लास्ट लास्ट पॉइंट, इसके बाद कुछ है ही नहीं, मतलब अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं बना सकते। इंडियन फ्लैग दिखावा है बहुत दरवाजा। ओ हाँ, और यार हम लोग को भी कुछ लाना चाहिए दादा, सब लोग ऐसे खड़े हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया के लास्ट विलेज में, अब यहाँ से देखते हैं। देखो इंडियन फ्लैग, और क्या है भाई, इसका हाथ पकड़े रहे, क्या दिख रहा है इधर से? कुछ भी तो नहीं दिख रहा। नहीं नहीं बस कोई गिरा मत देना। वही मम्मी कुछ दिख तो है नहीं रहा मुझे, बस ठीक है। अनारा पीछे रहो, मत आओ इधर बेटा, मैं मना कर रही हूँ ना। सो गाइस जैसे कि आपने देखा, ये था एक इंडिया का लास्ट विलेज, यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, हमारा इंडियन फ्लैग है, मियाँ जी फोटो शूट करा रहे हैं, और ये है पाकिस्तान साइड, एलओसी वगैरह सब है उधर, बट बहुत दूर है, क्लोज दिख नहीं रहा है, बट ठीक है हम यहाँ पहुँच गए, वही बड़ी बात है, थकते हारते गिरते। और ये यहाँ चलो गाइस दिख गया पाकिस्तान, यहाँ से भी जा सकते हैं नीचे, बट कुछ नहीं। बोलो बोलो क्या? ये जो ब्लैक जो है ना बॉर्डर मारा है, ये हमारे इंडिया के अंडर में आता है, वो साइड का पाकिस्तान में आ गया। अच्छा ये बाउंड्री है, ये जो दो डंडे से लगे हुए हैं, ये दो डंडे लगे हुए हैं, वो आगे गए ना वो। हाँ हेलो, मतलब इतना पोर्शन हमारे इंडिया में आता है, उधर वाला पाकिस्तान साइड में आता है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मतलब पार्ट भी समझो उसमें ही गए हो। ठीक है यही पूरा लग लग के लग लग के वहां पर गया तो थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए था, कुछ भी तो दिखने का। इतनी मेहनत करके आए हम लोग, पकड़ो हाथ पकड़ो डैडा का, मेरे को भी वही लगा था कुछ ऐसा ही होगा, हम ऐसे हाथ वात मिलाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे ऐसा तो वो यहाँ नहीं है, अरे एक बंदा नहीं दिख रहा, कुछ तो दिखे उधर से, वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को देखने में तो परेशान हो रखे, तो वहाँ के लोग घूमने नहीं आते, हम साले इतनी दूर से आए हैं, वो आएंगे कुछ, ये गलत बात है यार, उधर से भी कोई ना कोई आना चाहिए था, इतनी हम लोग को इतनी इच्छा हो रही है देखने की, उन लोग हो रही होगी, मैं भी शायद दूर से वो लोग भी देख रहे होंगे, है ना, जैसे हम लोग वैसे हम लोग भी देख रहे होंगे। ये देखो कैसे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं इधर देखने के लिए,
हमसे बोल देते हम लेके आते हैं। गिर मत जाना, कुछ भी है अपने एडवेंचर करने में मजा आता है, सो हमने वही किया है। हमने दो पहाड़ के बीच में पाकिस्तान की विलेज का नाम खनू है। फर्स्ट ग्रीनरी से राइट माउंटेन लेने में, ये जो राइट माउंटेन पर आपको ज़िगज़ैग रास्ता दिख रहा है, ठीक है, उसी ज़िगज़ैग रास्ते को फॉलो करना है। जहाँ से वो रास्ता खत्म हो रहा है उसी के एंड पर आपको पाकिस्तान की बनकर नजर आएगा, जहाँ पाकिस्तान के फूल की पेड़ के चाहे रिवर से आगे आपको मैदान, मैदान से आगे यहाँ नीचे फेंसिंग, ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाला माउंटेन ऊपर ऐसा रोड जैसा, उससे थोड़ा सा ऊपर छोटा सा वाइट वो एंडन बनकर मैम, जहाँ पर इंडिया की फूल दिखाई है। पहले आप विलेज को दिखना है मैम, विलेज के बाद बाइनोकुलर्स को थोड़ा सा राइट लेना, ये जो राइट माउंटेन पर आपको ज़िगज़ैग रास्ता दिख रहा है उसी ज़िगज़ैग रास्ते को फॉलो करना है। जहाँ से वो रास्ता ख़त्म हो रहा है उसी के एंड पर आपको पाकिस्तान के बेल्ट पर यहाँ नीचे LOC, LOC के बाद ये वाला माउंटेन पर एंड बुला रहा है, तो यहाँ से एडजस्ट करें। नहीं, उनको कोई शौक नहीं है देखने का अपने को। तुझे कुछ दिखा नहीं, दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट लोकेशन कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक दिन उभरा ही वापस जाएंगे। फिर वहाँ से? सैंड ड्यून्स। ये इंडिया का लास्ट विलेज तो हमने देख लिया है, अभी नेक्स्ट लोकेशन ये है कि हम लोग वापस नुब्रा वैली जा रहे हैं, देन वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे सैंड ड्यून्स जाने वाले।